जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां क्या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा दरमियान। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का, पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता तेरे मेरे मन का। माँ, लगता है आई अभी अभी सोई हैं। हम लोग अभी चलते हैं, बाद में आ जाएंगे। अरे धर्मेश, तुम कब आए? नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, भगवान की दया से सब कुछ ठीक ठाक है। सुलोचना ताई की तबीयत के बारे में सुना तो देखने चली आई। अब कैसी तबीयत है उनकी? पहले से काफी सुधार है। अरे मंजू। जी बाबा। ये लोग आए हैं तो इनके चाय नाश्ते का प्रबंध कर दो। जी अभी लाए। हाँ, आप बैठिए ना। नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम बाहर बैठते हैं। लगता है अभी अभी इनकी आंख लगी है, खामखा उन्हें डिस्टर्ब हो जाएगा। जी चल आइए। अरे ताई आप लेटे रहिए, अब कैसा लग रहा है आपको? काफी आराम। क्या है कि जब से आपकी तबीयत के बारे में सुना तो मन बड़ा बेचैन था, इसलिए देखने चली आई। जो कुछ वर्षा के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। माँ हूं ना, आपका दुख दर्द समझती हूँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऊपर वाला बहुत दयालु है, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। धर्मेश तुम कैसे हो? सुना है आजकल बहुत बिजी हो, कुछ नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ है ना? नया प्रोजेक्ट? हाँ, वो जो तुमने पनवेल में नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। हाँ आई बाबा, वो बस वहां पर काम चालू है। माँ हम लोग अभी चले? एक्चुअली मुझे ऑफिस में कुछ काम है, कंटिन्यूअसली वहाँ से फोन आ रहे हैं। चलते हैं ना, अभी अभी तो आए हैं, 2 मिनट ढंग से बात तो करने दे। ये दीजिए चाय। ताई एक बात कहूँ, पता नहीं आप इन बातों पर विश्वास करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस घर को जरूर किसी की बुरी नजर लग गई है। तभी तो हर काम बनते बनते अटक जाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अगले हफ्ते मैं हरिद्वार जा रही हूँ और वहाँ आप लोगों के लिए पूजा जरूर कराऊंगी मैं। जी जरूर, और वैशु और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी प्रार्थना कीजिए। अरे इसी के लिए तो मैं जा रही हूँ, भगवान शंकर की कृपा हो और हमारी गोद में हंसता खिलता पोता आ जाए। माँ मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, ऑफिस में कुछ क्लाइंट आकर बैठे हैं। आई बाबा प्लीज मुझे माफ कीजिए, मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम लोग फिर आएंगे। कोई बात नहीं बेटा, मैं चलती हूँ।
वैशु ए रुक, ये तो धर्मेश और उसकी माँ को देखकर छुप क्यों रही थी? नहीं भाई नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई? नहीं नहीं नहीं, मैंने देखा तुझे वहाँ खिड़की के पीछे। अरे मैं तो ये कपड़े लेने गई थी। वैशु भाई तो कटिंग देना। मानव तेरा दिमाग भी कमाल का चलता, क्या काम ढूंढ के निकाला तूने? ना कोई झिकझिक, ना कोई टेंशन, सुबह शांति से पैसे दो, शाम को सुकून से ब्याज समेत पैसे वापस लो, क्या बात है। दिन भर बस आराम ही आराम। लेकिन ये आराम ज्यादा दिन टिकेगा नहीं अजी। मतलब? मतलब ये कि हमें और तरीके ढूंढने होंगे मेहनत करके पैसे कमाने के। हमारी नजरें जहां जाती हैं वो हमारी मंजिल नहीं, बल्कि हमारे सपने जहां तक जाते हैं वो हमारी मंजिल। सही कह रहे तू। अरे क्या कर रहे रे? ये लो, फिर से मेरी किस्मत ने टांग मार दी, एक नंबर से रह गया इनाम जीतते जीतते, वरना आज मैं लखपति होता। खैर जो मिला नहीं उसके लिए क्या रोना, अब ये जो 1100 रुपए है ना उसी में दिवाली मनानी पड़ेगी, बाकी जब किस्मत खुलेगी देखा जाएगा। इसका मतलब तू हर रोज एक लॉटरी खरीदता है? रोज नहीं, जिस दिन पैसे होते हैं ना उसी दिन खरीदता हूँ। हाँ मेरी बात सुन, ये सब लुटाने के धंधे हैं, इसके पीछे भागेगा ना तो जिंदगी भर भागता रहेगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। सही कह रहा अजीत, तेरे को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए। मरते मरते बचाऊं आज, अगर गलती से भी माँ ने वहां वैशाली को देख लिया होता तो मेरी खैर नहीं थी। ये मामला तो दिन ब दिन और पेचीदा बनता जा रहा है, एक झूठ से निकलने के लिए दूसरा झूठ, दूसरे से बचने के लिए तीसरा, पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। आज माँ के साथ मैं था इसलिए जैसे तैसे मुसीबत टल गई, कल को कहीं माँ अकेले सुरुचना इससे मिलने चली गई तो। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं घर जा रहा हूँ माँ को छोड़ने के लिए। तुमने इस वक्त क्यों फोन किया? अभी कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया, मैं मार्केट गई थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि हमने वरुण को खो दिया। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती? लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं थी, वो तो मैं वरुण को ऑटो से उतारने वाली थी कि ऐन वक्त वो आदमी मुझसे झगड़ने लग गया। फालतू के बहाने बनाना बंद करो। क्या हुआ, किससे बात कर रहा? किससे बात कर रहा है? वैशु, वैशु का फोन है माँ। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, आई एम ड्राइविंग तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं फोन करता हूँ। अरे फोन क्यों काट दिया, मुझे उसे बात करनी थी। अच्छा तो माँ आपको पहले बोलना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, मैं शाम को आपकी बात करवा दूंगा। सही लगता है ना बप्पा के दर्शन करके, दर्शन होता है तो लगता है सारे दुख सब कुछ मिट गए। हाँ मानव आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब देखिए ना बप्पा के पास जाकर कितना अच्छा लग रहा है। मैं बस यही चाहती हूँ कि वर्षा और जो भी सारी प्रॉब्लम चल रही है वो सब ठीक हो जाए। मुझे पता है क्या लगता है मानव, हमें हर मंगलवार ना सिद्धि विनायक जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? आइडिया अच्छा है। मानव मुझे भूख लगी है, चलिए ना कहीं खाते हैं। हाँ यही आगे में एक अच्छा वड़ा पाव मिलता है, चलो वहाँ जाके खाते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है।
इतने से पैसे में क्या होगा? अरे बहुत कुछ आएगा। इतने से पैसे में आलू के छिलके तक नहीं आएंगे। कुछ नहीं, मेरे साथ चलो और भाजी का भाव देखो। हाँ। कैसी महंगी हो गई है भाजी। वो छिलकों की भाजी खाएंगे ना। चुप जा बैठो। हा? देखो नहीं तो फिर बोलोगे ये सब्जी क्यों नहीं लाई, वो सब्जी क्यों नहीं लाई। जो आएगा ना प्लेट में वही खाना पड़ेगा, नाटक मत। अच्छे बैंगन अच्छे दिखते, कैसा ये बैंगन? ये बैंगन 15 रुपए पाव किलो है और ये टमाटर 20 रुपए पाव किलो है। 15 पाव 20 पाव? हाँ, कितना दूं? बापरे अच्छा है। अरे माँ जी नमस्ते। काका ये मानव साहब की आई है। अच्छा आई, नमस्कार। अरे ये आपकी ही दुकान है, अरे आपको भाव पूछने की कोई जरूरत नहीं है, जो चीज चाहो ले लो। इतनी मेहरबानी काहे के लिए? आप मानव जी की आए हैं और मानव जी की दया से ही ये दुकान चल रही है। हा? इसलिए हम आपसे पैसे लेने की घृष्टता नहीं कर सकते। तो मुझे ये बैंगन 1 किलो दे दो। हाँ। टमाटर 1.5 किलो, ये वाला 1.5 किलो देना। अच्छा, और साथ में ये 2 देना। आओ आओ मसाला लेके जाओ, मसाला लेके जाओ, तरह तरह के मसाले, सस्ता सस्ता मसाला लेके जाओ। पापड़ अच्छा है बनाया है। बोले पापड़ वाले, तुम्हें भी दुकान खोलने के लिए मेरे मानव ने पैसे दिए? कौन मानव? मेरी खुद की दुकान है। तो सीधा बोलना, इतना आकड़ के क्यों बोलता है? मेरे बोलने का ढंग यही है, चाहिए तो लो नहीं तो जाओ। करके मध्य थोड़ा फोड़ देगी तेरा। अरे जाओ ना, काहे को दिमाग खा रही हो? चुप बैठ, चुप बैठ, चल एक हाथ से उठा के फेंक दूंगी मैं, नाटक कर रहेला है। अरे ये तो अजीब औरत है, ये तो मानव जी की आई है, लेकिन कहाँ मानव भैया और कहाँ ये? मुझे तो लगता है कि मैंने भलाई करके कुछ गलती कर दी। बात करता है दादा, सब सब्जी डाली ना, ये लो। सविता तू ये क्या कर रही है? घर में हम 2 ही जन हैं, इतनी सब्जी क्यों? अरे अरे चाली में जाके क्या दुकान निकालना है तुझे? हाँ खोलनी है। हाँ। वो तुमसे पैसे नहीं ना मांग रहा है, प्यार से दे रहा है ना भैया, प्यार से दे रहे ना जी। बोलो इनको, बोलो कितना बकबक करते ये हैं? अरे अर्चना बेटी। आई बाबा, आप लोग यहाँ सब्जी लेने आए थे? नहीं, भांगड़ा खेलने आए थे। चाली में जगह नहीं है ना, यहाँ लंबी चौड़ी जगह है तो भांगड़ा खेल लेंगे। हाँ जा, वो छोड़। कैसी है तू, कैसा चल रहा है और मानव का बिजनेस कैसे चल रहा है? बाबा बहुत अच्छे चल रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है उनका काम। मैं सब्जी ले लेती हूँ। हाँ, अरे दादा, अरे अपने मानव की बीवी है। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। आइए आइए दादा, मुझे 1/2 किलो गोभी दे दीजिए जी, और 1/2 किलो बैंगन दे दीजिए जी, और 1/2 किलो टमाटर, और 1 ये दे दीजिए जी। ठीक है, और कितने पैसे हुए बता दीजिए। अरे आपसे पैसे क्या वहिनी, आप मानव जी की पत्नी हैं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। नहीं दादा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है मानव का हिसाब मानव के साथ कीजिए, मेरे साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में सब्जी थोड़ी ना लाते हैं, आप भी तो कहीं से खरीदे ही है ना, और अगर आपका नुकसान होगा तो इसमें मेरे पति का ही नुकसान है ना। उनका हिसाब उनके साथ कीजिए, मेरा हिसाब मेरे साथ कीजिए। बताइए कितना हुआ? 20 रुपया। ये लीजिए, थैंक यू। आई बाबा मैं निकलती हूँ। इसको बोलते हैं कर्म की अभागन, भगवान दोनों हाथों से देना चाहता है, इसकी थैली फटी पड़ी है। यही फर्क है ना तुझ में और अर्चना में? हाँ बस। तू अपने बेटे का गलत फायदा उठाती है। हाँ। और वो अपनी भलाई से पति का मान और नाम दोनों ऊंचा करती है। मेरे बेटे का नाम बढ़ाने के लिए मेरा बेटा रहता ही किधर मेरे पास, भगा के लेके गई उसको। अभी चुपचाप बैठो ना। हाँ, मेरी माँ, तुझे जो करना है तू कर। लाइए ना मुझे। अरे नहीं, मैं ही कर रहा हूँ ना भाई। अरे मानो, आओ बेटा आओ, बैठो। अब कैसी तबीयत आपकी? अरे मुझे क्या हुआ है बेटा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, बस वर्षा का ही टेंशन था और ऊपर से उम्र ने जवाब दे दिया। मुझे बहुत चिंता हो रही थी आपकी। देखिए
अब आपको आपका ख्याल रखना पड़ेगा। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि आप हमारे लिए, खास करके मेरे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंजू, अरे भाई सबके लिए चाय तो लेके आओ। जी। अरे मुझे अच्छे से याद है, जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था तो आपने मेरा साथ दिया, जब किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया था तो आपने मुझ पर विश्वास किया था। आज मैं अपनी गृहस्थी में, अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर पाया सिर्फ आपकी वजह से कर पाया। अयूब, आपको आपका ख्याल रखना पड़ेगा। लो भाई, मानो चाय तो पियो। कैसे मानो? अरे तू आ गया बेटा, अभी मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। वो क्या है कि तेरे आई की दवाई को वक्त निकला जा रहा था तो मैं, अच्छा चल दवाइयाँ दे दे। वो बाबा, मैं दवाई लेने गया था तो किसी ने मेरा पर्स निकाल लिया। अगु भाई क्या, इसलिए मैं दवाई नहीं ला पाया। अरे विनोद, अगर ऐसी बात थी तो मुझे फोन करके बताते थे ना, तो मैं कुछ मैनेज करके दवाई ला था। अब पैसों के वास्ते हम तेरी आई का इलाज तो रुकवा नहीं सकते ना। अच्छा ठीक है, वो प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दे। मुझे तो बाबा पहले क्या था। अरे बेटा, लेकिन तुम क्यों, मैं कुछ मैनेज कर लूंगा ना। अभी अपने बेटा कहा, फिर क्यों पूछ रहा। मिला पूरा? हाँ मिला। काका से 400 रुपया, ये लीजिए। अरे काका ये क्या, 400 का मतलब 100-100 के 4 नोट और आपने 3 नोट दिए। अजी दादा, मैंने जानबूझकर 100 रुपये कम दिए हैं। क्यों? वो बात ये हुई है कि मानो साहब की आई यहाँ आई हुई थी और उन्होंने ढेर सारी सब्जी मुफ्त में ले ली है। उस वक्त तो मैं कुछ बोल नहीं पाया। अगर 10-20 रुपए की बात होती तो मैं कुछ नहीं कहता। उन्होंने जो सब्जी ली करीब करीब 200 रुपए की थी, इसलिए मैंने 100 रुपए कम दिए। हाँ ठीक है, मानो को बोला। दादा, अजीत दादा ने बुलाया आपको। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है? हाँ मानव, तेरी आई यहाँ पर आई थी कल और उसने तेरे नाम पे 200 रुपए की सब्जी मुफ्त में ले ली, इसलिए काका आज ब्याज में 100 रुपए कम दे रहे हैं। क्या करें? क्या हुआ मानव? शायद आई ने जो किया है गलत किया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। उनका बेटा उनके किसी ना किसी तरीके से काम में तो आ रहा है। बिजनेस में नुकसान होता है तो बहुत बुरा लगता है, मुझे पता है, लेकिन ये पहला नुकसान है जिसमें मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है यार। मानव, तू कमाल का आदमी है, अपने अच्छाई से सबको जीत लेता है। एक बात कहूं, अगर तू कुछ भी कर सकता है तो आई और अर्चना को मिला नहीं सकता। मैं भी पापा से यही प्रार्थना कर रहा हूँ यार, कि कैसे भी ये मुमकिन हो जाए। अच्छा दादा, मेरी आई कल से आए ना, तो उन्हें जो चाहिए जितना चाहिए उन्हें दे देना, और जितना भी आपका होता है वो ब्याज में से काट लेना, ठीक है? जी मानो भैया। अब इस प्रॉफिट में थोड़ा लॉस हो गया है। लॉस? मानो तू इसे लॉस कहता है? अरे तो बोनस है, बोनस। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नज़दीकियाँ